नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष रामनिवास रावत एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की संयुक्त प्रेस वार्ता कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में रखी गई, जहां उन्होंने शराब माफियाओं को लेकर कहा कि पुलिस के संरक्षण और उगाही से फूल रहा है माफिया राज सरकार के। एक और जहां प्रदेश को नशा मुक्त करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मार्च 2020 के बाद से ही अब तक लगभग 70 लोगों की मौत अवैध जहरीली शराब से हो चुकी है। मुरैना में जहरीली शराब से 28 लोगों की मृत्यु हुई थी। तब राज्य सरकार ने अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्टियां एवं सामग्री और वाहन आदि जब्त किए गए थे। माह फरवरी 2021 के प्रथम सप्ताह तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 11 करोड़ रुपए की देशी विदेशी कच्ची शराब जब्त की गई एवं इस दौरान सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी कार्रवाइयों का असर शराब माफियाओं पर नहीं हुआ है। पुलिस और आबकारी विभाग का अमला शराब माफियाओं से मिला हुआ है, जिसके चलते शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि यह आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा पर लगाते हुए कहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह और अप्रैल 2021 के प्रथम सप्ताह में भिंड जिले की लहार विधानसभा क्षेत्र एवं भिंड तथा ग्वालियर में अवैध जहरीली शराब के पीने से लहार में 7, भिंड में 2 और ग्वालियर में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। जी ने कहा 1,00,000 रुपये आप सबसे हम सहायता देंगे, घोषणा कर दो। हम लोगों ने वचन दिया है और आज वो उनके एक या दो दिन में उनके परिवार के आश्रित लोग हैं, उनको चेक पहुंचा दिया जाएगा सहायता का। हमारी मांग है जिला प्रशासन उच्च स्तरीय जाँच हो और जो दोषी हैं अधिकारी कर्मचारी उनको दंडित किया जाए। इस प्रकार की निरंकुशता, जबरदस्ती बिना पीएम कराए डेड बॉडी जलवाना और आज तक उनसे मिलने न पहुंचना न उनकी जानकारी देना, ये निरंकुशता का बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रशासन पूरी तरह से दबाव बनाकर भयभीत भय का वातावरण बनाए हुए हैं। इस प्रकार हम आज आप लोगों के बीच पूरी घटना बताने आए हैं। हमारे पास जो शराब जो जिससे पीने से मृत हुई है, जबकि ग्वालियर में भी हुई होली के दिन 3 लोग ग्राम चंद्रपुरा की मौत हुई, वहाँ पीएम भी हुआ, जांच रिपोर्ट भी आ गई दूसरे दिन, उसमें बताया गया मिथाइल अल्कोहल मिला होने के कारण मौत हुई है। एक जैसी घटना है, शराब पीने के बाद पहले उल्टियाँ हुई, एक दो को छोड़ के सबके मुँह से झाग निकला और झाग के बाद सबको दिखना बंद हो गया। ये जो 11 उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश 11 मौतें हुई हैं, 4 लाहौर में, 7 और 4 उत्तर प्रदेश, सब भी एक जैसी मृत्यु की घटनाएं हुई, एक जैसे लक्षण पाए गए हैं। और ये लगातार मुरैना में भी हुई थी, सब जगह ऐसी मिथाइल एल्कोहल से बनना बताया गया था। मिथाइल तो नशा करता है लेकिन मिथाइल जहरीला होता है, तो जो बनाते हैं थोड़ा डालने से जब भारी पैमाने पर होली पे लोग शराब का उपयोग होता है तो उसमें उन्होंने बनाने वाली अवैध शराब बना माफियाओं ने मिलकर उसमें ज़्यादा मिथाइल एल्कोहल ही मिला दिया। संभावना है कि इससे मौतें हुई होंगी और हमारी मांग है प्रशासन उच्च स्तरीय जाँच हो और दोषियों को दंडित किया जाए और जांच की जाए कौन माफिया है क्या। जो लोग आपके ठेके से लाए थे नौजवान लड़के, होली के त्यौहार पर कोई 20 क्वार्टर 15 क्वार्टर में ले जा रहे थे, उनको जाके पुलिस ने पकड़ लिया और उनके जाके 300 क्वार्टर रख के जेल में भेज दिया। जो माफिया है सब गांव-गांव चर्चित है, हर आदमी जानता है, पुलिस जानती है कौन ला रहा कौन बेच रहा कौन सा। आज तक एक भी बड़ा शराब माफिया नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि आम जनता में सबने कहा कि हर महीने 5 से 10 लाख रुपए जो लोग थाने को पहुंचाते हैं जी, और हमारे पास जो है वो आप लोगों को बता रहे हैं। आज हम अभी तय कर लीजिए, ये है लाल, इस पर लिखा है पूरी हो वो नकल है, जो आपके ग्वालियर डिस्टिलरी से निकलती है उसका लेबल लगाया है, देसी मदरा मसाला, देसी मदरा प्लेन भी है, सफ़ेद है, उससे मौतें नहीं हुई पीने से। ये जो ये है इस पर रायलू फैक्ट्री केवल मध्य प्रदेश में बेची जाए,
ये भी लिखा है, और ये सब उत्तर प्रदेश की वहाँ बना बना के लेबल चिपका के खुले फैक्ट्री चल रही है, वहाँ से शराब आ रही है। अगर आप लोग भी जाएंगे गोपनीय तरीके से तो आपको मिल जाएगी वहाँ, इसमें कोई नहीं, कोई छिपी हुई बात ही नहीं है। चोरी छुपे से होता काम, जो तो खुलेआम चल रहा है, दिन में चल रहा है, और हमारे लोग ला रहे हैं ट्रक के ट्रक भर के, मोटरसाइकिल में 7-8 जाती हैं भर के आती हैं। ये आज हम सब लोग हमारे आप लोगों ने अभी तक किया, सब लोग हमारे जो आबकारी मंत्री हैं उनको जगदीश देवड़ा जी को घर करेंगे कि आप इस घर जाके कि आप इसकी कम से कम किस शहर से, जिला प्रशासन ने तो जाँच कराई है, वो तो निरंकुश है पूरी तरह से। पुलिस अधीक्षक अभी मानने को ही तैयार नहीं है कि ये शराब से मौत हुई है, जबकि पूरा गांव हर व्यक्ति चल है वास्तविकता भी है। तो ये आखिर कौन सा इसमें जहर है, क्या मिलाया गया है, क्यों मौत हो रही, इसको रोका जाए, ये भी आज हम उनको देने वाले हैं। चाहिए, हमने देखा नए नए लोग, नए नए लड़के, एक लड़का जो असनेट में मरा है, उसके एक तो 3 साल की बच्ची थी, एक साल की बच्ची, और छोटी छोटी बच्चियाँ बेचारी बैठी थी, और बड़ा दुर्भाग्य था, उनका दादा रो रहा था, तो वो छोटी बच्ची उस दादा को चुप कर रही थी, उसे देख के हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, जब मौतें होती हैं तब काफ़ी हल्ला होता है, काफ़ी पुलिस थोड़ी सी एक्टिव होती है, लेकिन उसके बाद स्थिति वहीं की वहीं पहुँच जाती है। हम चाहते हैं कि पहले तो सरकारी गांवों में शराब बिकना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, जहां ठेके नहीं है वो शराब बंदी पूरी तरह से लागू की जाए, और अगर शराब पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई बना करने के कानून बनाए जाए कि अवैध शराब जहां भी पाई गई, ठेके के अलावा अतिरिक्त कहीं भी शराब पाई गई बेचते हुए मिला गया, तो उस पर थोड़ा जो जुर्माना ये पकड़ लेते हैं छोड़ लेते हैं, ये कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, उन्हें कानूनी प्रावधान किया जाए, कम से कम 10 साल तक का कठोरतम कारावास की सजा हो, इस तरह की कार्रवाई की जाए, इस तरह का कानून बनाया जाए, प्रावधान किए जाए। और इसी तरह से ये सामान कहाँ से आए, ये सारे का सारा जाँच के विषय और जाँच के बिंदु हैं। जो परिवार बेघरवार हो गए उनको भी सहायता दिया जाए, और प्रदेश में नशा मुक्ति जनजागरण अभियान व्यापक रूप से चलाया जाए, और जो बीजेपी के नेता नशा मुक्ति की बात करते हैं और शराब के साथ साथ जो जहरीले हानिकारक पदार्थ हैं वो मिलाए जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं, कौन मिलाता है, उस पर कानूनन प्रावधान किया जाए कि इस तरह के अगर पदार्थ पाए जाते हैं, सिद्ध हो जाता है कि जो व्यक्ति मिला रहा है उस पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान हो, जिससे जहरीली शराब बनाने की कोई हिम्मत न कर सके। और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की बात बीजेपी के ही नेता हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी काफ़ी ज़ोर शोर से उठा रही हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए कि प्रदेश को नशा मुक्त हम कैसे बना सकते हैं, और प्रदेश में सरकार और सत्ता के प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के गठजोड़ से उनके संरक्षण में जो अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जहरीली शराब बनने का काम हो रहा है। मुरैना में तो 28 लोगों की मृत्यु हुई, 28 महिलाएं हमारी बहनें विधवा हो गई, बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो इस तरह से जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है ये तुरंत बंद होना चाहिए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जैसे ही पता लगा मुरैना में भी टीम भेजी, मुरैना में भी लोगों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया दिया, और लाहौर में भी आर्थिक सहायता देने का काम किया। पूरी तरह से हम कांग्रेस मांग करती है कि इस तरह के धंधे तुरंत बंद होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करें। उन्होंने ही कई जगह कहा है, उनका मैंने वीडियो देखा है कि मैं माफियाओं को ज़मीन में गाड़ दूंगा, माफिया प्रदेश छोड़ जाए मैं उखाड़ के फेंक दूंगा, जिंदा नहीं रहेगा, कितने इंची ज़मीन में नीचे गाड़ दूंगा। तो ऐसे माफियाओं के खिलाफ कहने कथनी और करनी में अंतर मिटा के माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें, तभी हम अवैध शराब और जहरीली शराब से प्रदेश को मुक्त करा पाएंगे। एक मामला करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज प्रदेश में जिस तरह से वैक्सीनेशन की बात तो की जा रही है, वैक्सीनें उपलब्ध नहीं है, मुरैना में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कल मीडिया ने भले ही चलाया,
लक्ष्मण सिंह मिलने गए, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने भी यही बात की कि राजगढ़ में वैक्सीन नहीं है। मुरैना में तो वैक्सीन लगवाने को लेकर के धक्का मुक्की हो गई। ऑक्सीजन की प्रदेश में कमी है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो रही है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति 24 घंटे स्वास्थ्य आग्रह के लिए बैठे हैं। मैं इसके बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन अगर ये 24 घंटे प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में देते, ये 24 घंटे प्रदेश में वैक्सीनेशन की व्यवस्था करने देते, ये 24 घंटे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए देते, और ये जो जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है इसका कोविड का, वो भी इस प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी मारामारी हो रही है, वो व्यवस्था कराने के लिए अगर अपना समय देते और व्यवस्थाएं कराते तो हम उनको धन्यवाद देते। मैं अवेयरनेस के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात सही है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम बीमार और बेकार और बीमारू स्थिति में हैं। आज प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल बेकार हैं। भोपाल में ही ऑक्सीजन की कमी के कारण कुछ दिन पहले मौतें हुई हैं, और अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई तो मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी प्रदेश के बारे में उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते। सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त बनाएं, और वैक्सीन कोविड से लड़ने के लिए जो दवाइयां और जो परिस्थितियां आवश्यक हैं उनको मजबूत बनाएं और उनकी व्यवस्था करें। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।